दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही समय कौन सा होता है? तो आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि YouTube पर तो कोई भी वीडियो अपलोड करने का समय निर्धारित नहीं है, मतलब आप YouTube पर कभी भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम समय को ध्यान में रखें तो हम अपने टारगेटेड ऑडियंस को जो है अपनी वीडियो तक पहुँचा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब हमारी ऑडियंस फ्री रहे तो उसी समय अगर हम वीडियो को डालें YouTube पर तो हमारी वीडियो पर मैक्सिमम व्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा तरीका है जिस टाइम पर जो है हम वीडियो को अपलोड करें ताकि हमारे वीडियो पर मैक्सिमम व्यूज आए। तो अगर आप भी सही समय जानना चाहते हैं वीडियो अपलोड करने का तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, मैं देव सहानी और आपका स्वागत करता हूँ टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं पिछले 2 साल से इस चैनल पर काम कर रहा हूं, मतलब 2 साल नहीं हुआ है, अभी 1 साल हुआ है, लेकिन दूसरे साल में हम जो है प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हम जो है वीडियो कभी शाम को डालते हैं, कभी सुबह डालते हैं, कभी दोपहर को डालते हैं, कभी जो है रात को डालते हैं, तो ऐसे में दोस्तों हमारे वीडियो पर काफी कम व्यूज आ रहे हैं। अभी भी आप देखे होंगे कि जब हम जो है अपनी वीडियो को रेगुलर एक ही टाइम पर डालते हैं तो वीडियो पर व्यूज काफी ज्यादा आने लगते हैं, लेकिन उसी चैनल पर जब हम समय को जो ध्यान में न रखकर वीडियो को कभी भी अपलोड करते हैं तो हमारी वीडियो के व्यूज जो है काफी कम आने लगते हैं। जैसा कि आप मेरी कल की वीडियो देखेंगे तो उस पर जो है काफी कम व्यूज आए हैं, क्योंकि मैंने उसको जो है काफी नाइट में डाला था। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि YouTube पर वीडियो डालने का भी समय होता है। YouTube पर अगर आप वीडियो डालने का समय निर्धारित नहीं करेंगे तो आपके भी वीडियो पर व्यूज ऐसे ही कम ज्यादा होते रहेंगे, आपकी वीडियो वायरल होने के काफी कम चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो आप YouTube पर डालें उस पर मैक्सिमम व्यूज आए तो इसके लिए जो है आपको टाइमिंग को ध्यान में जरूर रखना होगा। तो चलिए आपको बता दें कि सही टाइमिंग आप कैसे चेक करेंगे और आप कैसे चेक करेंगे कि आपके वीडियो को कौन लोग कब देखना पसंद करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपको अपने स्मार्टफोन पर ले चलता हूं और वहां पर अपना YouTube स्टूडियो ऐप को ओपन करता हूं, ये देखने के लिए कि हमारी वीडियो को कौन लोग देख रहे हैं और किस समय मैक्सिमम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने YouTube स्टूडियो ऐप ओपन किया है और यहां पर एनालिटिक्स में व्यू मोर पर क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर रियल टाइम व्यूज चल रहा है ऊपर। तो इसको हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 28 डेज का जो व्यूज दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर 48 आवर्स का जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको घंटे के हिसाब से जो है व्यूज दिखाता है कि किस घंटे में कितने व्यूज आपको मिले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको आज का जो है अपना रेशियो दिखा देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे कम व्यूज जो आया है वो आप देख सकते हैं 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में यहाँ पर केवल 7 व्यूज आया है पूरे चैनल पर। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कब का व्यूज जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए आगे क्लिक करते हैं, 7 बज गया और यहाँ पर 10:30 बज गया और यहाँ पर 11 बज गया। तो 11 बजे से दोस्तों हमारे चैनल पर जो व्यूज आते हैं वो एक्यूरेट आने लगते हैं और 11 बजे के बाद हमारी वीडियो जो है चलने लगती हैं और हमारे चैनल पर जो है व्यूज आने लगता है। लेकिन दोस्तों, आप यहां पर एक बात नोटिस करेंगे, जैसे शाम होता है तो थोड़ा सा व्यूज डाउन होता है, शाम के बाद जो है 6 से लेकर 7:30 के बीच में फिर व्यूज जो है इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 बजे तक जो है फिर व्यूज आने लगता है। उस तरीके से दोस्तों आप फिर से देखेंगे तो यहाँ पर जो है 12 बजे के बाद जो है व्यूज डाउन होने लगते हैं। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यह है दोस्तों कि आप यहाँ पर एनालिटिक्स में आकर पता कर सकते हैं कि आपके चैनल पर व्यूज कब इंक्रीज हो रहे हैं, कब डाउन हो रहे हैं, और उसी के बीच में आपको टाइम सेट करना है। अगर आप सुबह के टाइम को लेकर चलना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में वीडियो को अपलोड कीजिए, क्योंकि 11 बजे के बाद जो है चैनल पर व्यूज जो है एक लेवल में आने लगते हैं। उसके बाद जो भी आप वीडियो अपलोड किए रहेंगे उसको जो है काफी ज्यादा सजेशन मिलेगा, यूट्यूब उसको सजेस्ट करेगा और आपकी वीडियो पर जो है मैक्सिमम व्यूज आने के चांसेस रहेंगे। और वहीं पर अगर शाम के व्यूज की बात करें तो जब शाम का व्यूज इंक्रीज हो रहा है तो ये समय आप देख सकते हैं कि कब से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। तो शाम के व्यूज को अगर आप देखेंगे तो ये 5 बजे से लेकर जो है ऊपर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। तो 5 से लेकर 7 बजे के बीच में शाम को जो है आपको वीडियो अपलोड करना चाहिए अगर आप शाम को वीडियो अपलोड करते हैं तो। तो दोस्तों, अगर आप सुबह में वीडियो बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो वीडियो है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में यूट्यूब पर अपलोड हो जानी चाहिए, पब्लिक हो जानी चाहिए। और अगर आप शाम को वीडियो बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप वीडियो को अपलोड करें और उसको पब्लिक करें ताकि आपके वीडियो को मैक्सिमम सजेशन मिले और आपके वीडियो पर मैक्सिमम व्यूज आए। क्योंकि दोस्तों, जितने ज्यादा जो है हमारे चैनल पर व्यूज आते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी वीडियो को सजेस्ट करता है यूट्यूब, और इस तरह से जो प्रेजेंट अपलोडेड वीडियो रहती है उस पर मैक्सिमम सजेशन की वजह से व्यूज काफी ज्यादा आता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके चैनल पर जो ऑडियंस है वो आपके चैनल पर वीडियो को कब देखना शुरू कर रही है और कब जो है आपका व्यूज गिरना शुरू हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपनी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि हमारे चैनल पर ऑडियंस कब एक्टिव
एक्टिव हो रही है और हमारे चैनल पर मैक्सिमम व्यूज कब आ रहे हैं, और उसी हिसाब से हम अपने टाइमिंग को सेट कर सकते हैं वीडियो अपलोड करने का। और उसी समय पर अगर हम अपनी वीडियो को रेगुलर अपलोड करेंगे तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम सजेशन मिलेगा और हमारी वीडियो पर मैक्सिमम व्यूज आएंगे। अब दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके चैनल पर किस उम्र के लोग ज़्यादा हैं, ताकि उस हिसाब से आप पता लगा सकें कि ऐसे उम्र के लोग जो है कब फ्री रहते हैं, कब ऐसे उम्र के लोग जो है वीडियो देखना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से भी आप अपना वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑडियंस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मेल और फीमेल का परसेंटेज आपके चैनल पर कितना है, मतलब कितने परसेंटेज मेल और फीमेल आपके वीडियो को देख रहे हैं। उसी हिसाब से आप अपने कंटेंट में सुधार कर सकते हैं। अगर मेल का परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा है तो आप अपने वीडियो में मेल के हिसाब से कंटेंट को सुधार कर सकते हैं, और अगर आपके चैनल पर फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा है तो आप अपनी वीडियो में जो है फीमेल के हिसाब से कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको जेंडर का पता चल जाएगा, उसके नीचे आपको एज भी मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 से 17, 18 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64, 16+। तो दोस्तों, ये सभी एज के रेशियो हैं जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपके चैनल पर किस टाइप की ऑडियंस जो है, किस उम्र की ऑडियंस ज़्यादा देख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 से 24 साल के लोग जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, तो इन्हीं के हिसाब से आपको वीडियो अपलोड करना है। जिस एज के हिसाब से आपके चैनल की वीडियो को ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उन्हीं लोग के एज के हिसाब से आपको वीडियो को अपलोड करना है। मतलब कहने का ये है कि इस एज के लोग जो है ज़्यादा मस्ती मिजाज के होते हैं, और इस एज के लोग कब फ्री रहते हैं ये आप पता लगा सकते हैं, और इसी हिसाब से आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और यदि आपके चैनल पर किसी और एज के लोग ज़्यादा आपकी वीडियो को देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी वीडियो में सुधार करके और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस एज के लोग कब फ्री रहते हैं, उसी हिसाब से जो टाइमिंग सेट कर अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको पता करना है कि 18 से 24 साल के लोग अगर आपके वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, तो ऐसे एज के लोग कब फ्री रहते हैं, ऐसे एज के लोग जो है कब स्मार्टफोन यूज करते हैं, ये आप जो है बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, और यहाँ से जो है उसी के हिसाब से अपनी वीडियो को सुधार करके वीडियो की टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। और इस हिसाब से अगर आप अपनी वीडियो की टाइमिंग को सेट करते हैं, तो आपके वीडियो पर मैक्सिमम व्यूज आने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं इस टाइमिंग के साथ, तो आपके वीडियो के व्यूज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सजेशन है दोस्तों कि नियत समय पर वीडियो को अपलोड करें, मतलब जिस टाइमिंग पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं रेगुलर, उसी टाइमिंग को जो है ध्यान में रखकर वीडियो को अपलोड करें। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को वीडियो अपलोड करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। तो हमेशा जो है नियत समय, मतलब रेगुलर टाइमिंग जो है सेट कीजिए, उसी टाइमिंग पर आप वीडियो को अपलोड कीजिए। सप्ताह में कम से कम दोस्तों 3-4 वीडियो होनी चाहिए। दोस्तों, आजकल का जमाना जो है इंटरनेट का है, आपको पता है कि लोग एक एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो सप्ताह में कम से कम 2-3 वीडियो या 3-4 वीडियो आपके चैनल पर होनी चाहिए, और ये सभी वीडियो एक ही टाइम पर अपलोड की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास समय नहीं रहता है तो आप जो है शेड्यूल फीचर का इस्तेमाल कर अपनी वीडियो को पहले से अपलोड कर उसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं, और आपकी वीडियो जो निर्धारित समय पर पब्लिक हो जाएगी। तो सप्ताह में कम से कम आपके चैनल पर 4-5 वीडियो अपलोड होनी ही चाहिए। कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करते रहें। दोस्तों, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहें। दूसरों का भी वीडियो देखना जरूरी है। आप जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड जो है दूसरे लोगों की वीडियो देखिए। ये देखिए कि उसमें वो लोग क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कैसा जो है वो लोग अपने वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और इस तरह से अगर आप कंटेंट में इंप्रूवमेंट करते चले गए, तो आपकी वीडियो पर मैक्सिमम व्यूज आने के चांसेस जो है ज़्यादा बनने लगेंगे। लोगों से फीडबैक लीजिए। दोस्तों, आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, जो भी ऑडियंस आपकी वीडियो को देख रही है, भले ही आपके वीडियो पर व्यूज कम आ रहे हैं, लेकिन लोगों से पूछिए कि आप जो वीडियो बना रहे हैं क्या उनको पसंद आ रही है, कमेंट का रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई देने से दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन आपके वीडियो पर काफी अच्छा बनेगा, और इससे जो है एक फ्रेंडली हो जाएंगे लोग, आपके ऑडियंस जो भी रहेंगी आपके वीडियो के साथ साथ आपके चैनल के साथ भी फ्रेंडली हो जाएंगी, और उनको ये लगने लगेगा कि ये बंदा जो है कमेंट में रिप्लाई देता है, जिसकी वजह से आपके वीडियो पर व्यूज जो है इंक्रीज होने लगेंगे। अब दोस्तों, दिखावा ना करें। जो भी आपके घर का सिचुएशन है वही दिखाने की कोशिश करें। ये नहीं कि दिखावा करने के लिए आपने कुछ पैसे खर्चा कर लिए और काफ़ी अच्छा सेटअप बना लिए, उसके बाद जो है आप वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं दे रहे हैं। दिखावे पे ना जाए दोस्तों। जैसी सिचुएशन में आप वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसा कंडीशन में आप रह रहे हैं, वही दिखाइए, वही शूट कीजिए, और लोग आपके साथ जो है जुड़ने लगेंगे। ऐसा करने से दोस्तों लोगों में ये विश्वास बनेगा कि आप जो है दिखावा नहीं करते हैं, जो भी देते हैं रियल कंटेंट देते हैं। जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज आए, उसी से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है सक्सेस होने का।
जिस भी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आएँ उसी से रिलेटेड आपको कई सारी वीडियो अपलोड करनी चाहिए। आपको ये चेक करते रहना चाहिए कि आपकी कौन सी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों YouTube स्टूडियो ऐप का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपके कौन सी वीडियो पर मैक्सिमम व्यूज आ रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको ज़्यादा वीडियो अपलोड करनी चाहिए और आपके जो है ऑडियंस रिटेंशन जो है आपके चैनल पर बढ़ने लगेंगे और बाकी भी वीडियो पर व्यूज गेन होने लगेंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी, अगर आप सही समय पर जो है वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं और इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका चैनल 100% ग्रो करने लगेगा। दोस्तों YouTube पर अगर आपको ग्रो करना है तो आपको टाइमिंग को ध्यान में रखना ही होगा। जो लोग टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं उसी हिसाब से YouTube भी उनको जो है ध्यान नहीं देता है। अगर आप रेगुलर टाइमिंग का जो है ख्याल रखने लगेंगे, रेगुलर टाइम पर वीडियो अपलोड करने लगेंगे तो आपका चैनल जो है ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी यूट्यूबर का यही सीक्रेट है सक्सेस होने का, तो टाइमिंग को ध्यान में रखिए और एक दिन आप भी यूट्यूब पर ग्रो कर जाएंगे। उस समय कहेंगे कि सर आपने सही कहा था, टाइमिंग ही सब कुछ है, यूट्यूब पर अगर ग्रो करना है तो टाइम को ध्यान में रखिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी ऐसी कुछ टिप्स डालूँ यूट्यूब से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो मेरी वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मेरी वीडियो को मिस करने से आप बच जाएंगे, मेरी वीडियो को जरूर देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।